असला खातिन हजरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स सीरीज सी का बत्तीसवा लेक्चर मुजाहिदे शाही के साथ हम ایک एक दो लेक्चर से ٹو انفارمیشن سسٹم پہ पे کر कर रहे हैं जो गुफ्तगु आज के लेक्चर में भी हम जारी रखेंगे लेकिन एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में जो हम तफसीत जानना चाह रहे हैं पढ़ना चाह रहे हैं देखना चाह रहे हैं उसमें थ्रेट्स जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों इख्तियार कर रही हैं कि उसके बारे में हम गुफ्तु कर चीज ये है कि एज अ यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एज अ डिवेलपर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और एज अ मैनेजर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन तीनों रोल्स के अंदर हमें बतदरीज जो थ्रेट्स हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से मौजूद होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है शायद यूजर के लिए उस हद तक जरूरत ना हो कि जिस हद तक एक डेवलपर के लिए या मैनेजर के लिए लॉजिकल थ्रेट्स जो हैं उनके बारे में जानना जरूरी हो यूजर को इस बात से आगाही नहायत जरूरी है कि वो होशियार रहे कि कोई ऐसी चीज फिजिकल इंक्लूजन के हवाले से कोई ऐसी चीज वो कर ना बैठे कोई अपनी जाति मसाल के तौर पे डिस्केट या फ्लैश ड्राइव या कोई एक्सटर्नल इस किस्म की चीज जो है वो अपनी जो बिजनेस की मशीन है कंप्यूटर है वर्क स्टेशन है जो भी है उसमें इस्तेमाल करें क्योंकि खर्चा ये होता है कि उससे उस एक्सटर्नल उस डिवाइस से शायद कोई वायरस ट्रांसफर हो जाए कोई थ्रेट जो है वो उस पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में ले ले जहां तक डेवलपर का ताल्लुक है तो डेवलपर जो है वो इस लिए उसे एहतियात करना है कि जो वो डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर कंट्रोल्स उसके अंदर वो लिमिटेशंस, जो कि किसी किस्म की लॉजिकल या फिजिकल थ्रेट्स जहां तक मुमकिन है उनको रोकने की भी कोशिश करें और अपने जहन में रखें कि वो प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा जो है वो बन जाए और जहां तक मैनेजर का ताल्लुक है तो मैनेजर हैज टू नो एवरीथिंग अबाउट पॉसिबल थ्रेड्स बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल और फिर अनऑथराइज इंक्लूजन जो है वो भी एक थ्रेट है अनऑथोराइज इंक्लूजन का क्या मतलब कि कोई शख्स जो जिसको एक पर्टिकुलर मशीन पे वर्क स्टेशन पे बैठने की इजाजत नहीं वो अगर बैठ जाए तो और वहां से काम करना शुरू कर दे क्या यह एक फिजिकल इंक्लूशन है फिजिकल इंक्लूशन तो जाहिर है कि यह बात भी उसमें शामिल है कि जी वो आप उसको इजाजत दे दें कि जी आपके वर्क स्टेशन पर आके कोई बैठ के कोई को बाहर का आदमी वो उस पर काम करना शुरू कर दे या उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे या उस पर से ई मेल्स भेजना शुरू कर दे या रिसीव करना शुरू कर दे और ये बहुत दफा होता है कि जरा मुझे थोड़ी सी जगह देना मैंने अपनी ई मेल्स को चेक करना है तो ये भी ये फिजिकल इंकलूजन है और इस फिजिकल इंक्रूजन क्योंकि वो शख्स तो ऑथराइज नहीं है करने का आपके जो हकूक हैं उनके हवाले से वो उस मशीन में बैठ के अपनी ईमेल को जो चेक करा और हो सकता है कि उस ईमेल के थ्रू कोई वायरसेस बग्स वर्म्स कुछ भी चीज जो है वो इंपोर्ट हो जाए और वो जिस वक्त इंपोर्ट होगी तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो उससे अफेक्ट हो जाएगा बहरहाल फिजिकल इंट्रूजन की और भी अकसाम है और उससे जो बहुत हमारे मेरे हिसाब से एक अहम चीज है वो लॉजिकल इंक्लूजन है तो आज हम गुफ्तु लॉजिकल इंक्लूजन के हिसाब से जो है वो करेंगे ताकि उसकी वजाहत करेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ थ्रेट्स होते हैं उनके हवाले से बात करेंगे और इसी स्कीम को लेकर के आगे चलेंगे तो आइए आज का जो सिलसिला है उसको हम शुरू करते हैं फिजिकल इंक्लूजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होती है अब बात आती है कि जी लॉजिकल जो इंक्लूजन है वो क्या है लॉजिकल इंक्लूजन के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि फिजिकली तो एक शख्स आके आपके स्टेशन पे बैठ गया एक तो वो इंक्लूजन हो गई क्योंकि उसको इजाजत नहीं है इस काम की लेकिन जहां तक लॉजिकल इंक्लूजन का ताल्लुक है तो अब लॉजिकल इंक्लूजन एक तो ये हो गई कि जनाब उसने आपका आपके हकूक आपके राइट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ काम किया और उस इस इस्तेमाल के अंदर जो है वो कुछ वायरस या बग या कोई इस किस्म की चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई और उसने हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर दिया ये भी हो सकता है कि आपके हकूक का इस्तेमाल नाजायज अनऑथोराइज इस्तेमाल करते हुए इंटेंशन यह हो कि जी जो डाटा या इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम्स में मौजूद है उसको इंटेंशनली या अन उसको डैमेज किया जाए या उसको चोरी की जाए या उसको देखा जाए तो यह भी एक इंट्रूशन है फिर बग्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं एक तो तरीका मैंने आपको बताया दूसरा यह कि कुछ हजरात इस काम में जिन जो के ही वर्क स्टेशन से आपके कंप्यूटर इन्वा से दूर बैठे हों लेकिन किसी तरीके से वो एक्सेस हासिल करके आपके सिस्टम के अंदर बग घुजर देते हैं। और वो बग जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सिस्टम को गलत फंक्शनिंग पे मजबूर कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है या सिस्टम की फंक्शनिंग ही टोटल जो है उसको जीरो कर देता है फिर वायर टैपिंग भी एक वायर टैपिंग से क्या मुरादे कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन हो रहा है जो आपस में तबादला ख्यालात हैं जो ईमेल्स एक्सचेंज हो रही हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज हो रही है या फाइल्स कम्युनिकेट हो रही है उनको या उनके अंदर जो कुछ है उसको नाजायज तौर पे उसको देखा जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंक्लूजन जो है यह पॉसिबल है लेकिन बात शुरू करने के लिए हम फिर फिजिकल सिस्टम की तरफ या फिजिकल एक्सेस की तरफ आते हैं कि फिजिकल एक्सेस जो है वो जाहिर है कि यही है कि जी आप उस मशीन के ऊपर जो है या उन सिस्टम्स तक किसी तरीके से जो है वो पहुंच जाए या उनसे रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क की डिवाइसेज हैं या कंप्यूटर की अपनी डिवाइसेज हैं उन तक पहुंच जाए आप किसी को डिस्क जो है एक्सटर्नल डिस्क जो है वो इंसर्ट करने देते हैं और जो आपके कंट्रोल्स हैं उनको बाईपास कर दिया जाता है इस हवाले से तो ये एक अनऑथराइज्ड इंट्रूजन है फिर एक और चीज है कि जो आप डाटा एंट्री के लिए या अपने पासवर्ड्स को एंटर करने के लिए जब आप कीज दबाते हैं उनकीज के हवाले से जो है को ट्रांसलेट करने के लिए भी लोग उन्हें कुछ इस किस्म का इंजन तैयार किए हुए हैं कि वो रीड करते हैं कि आपने क्या कीज जो है की पैड के ऊपर उनको दबाया है और वो जिस वक्त आपका पासवर्ड है मिसाल के तौर पे या पिन है नंबर है या जो भी है वो अगर इस तरीके से उनको मालूम हो जाए तो फिर जाहिर है कि वो उसका नाजायज इस्तेमाल बेदरख कर सकते हैं ये जो स्नूपिंग इक्विपमेंट है या स्नूपिंग इक्विपमेंट कहा जाता है कि जी स्नूप करना कि जी किसी चीज की खाबखा जो है उसमें खोज करने की कोशिश करना ये की स्टोन की स्ट्रोक लॉगर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है और ये जैसे मैंने कहा कि किसी भी जो जैसे कीज दब रही हैं कीपैड के ऊपर वैसे ही जो है वो उसको नोट करते हैं और उसको ट्रांसलेट करता है कि भाई ये फुला की है और ये फुला की है और ये, की। तो ये फिजिकल एक्सेस के हवाले से हमने आपसे सी गुफ्तु की अब आइए लॉजिकल एक्सेस के ऊपर लॉजिकल एक्सेस किस लॉजिकल का मतलब यह है कि जी आप सिस्टम की फंक्शनिंग उसके कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन डाटा जो स्टोर किया हुआ है स्टोरेज या करंट या जो उसके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके जो तरीके कार है चलने का उसको आप ए, उसमें इंट्रूजन कर लेते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं यानी एक चीज तो यह हो गई कि जहां पे डाटा स्टोर किया हुआ दूसरी चीज हो गई कि जी जो फंक्शनिंग डिस्क्राइब की गई है जिस हिसाब से वो प्रोग्राम ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है उसमें आपने कुछ खराबी डाली या आपने जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें कोई खराबी डाल दी तो ये तमाम चीजें जो है ये लॉजिकल एक्सेस को थ्रेट्स हैं और इनके हवाले से जो सिक्योरिटी सिस्टम तदबीर दिया जाता है वो इन तमाम चीजों को जहन में रख के किया जाता है। अब ये इतनी सारी गुफ्तु के बाद आया हो जानी चाहिए कि हमें थ्रेट्स के हवाले से क्यों इंफॉर्मेशन हमारे पास या मालूम हमारे पास होना चाहिए और हमें किस कदर अवेयर होना चाहिए इन थ्रेड्स के हवाले से लॉजिकल एक्सेस की बात हो रही थी या लॉजिकल थ्रेड्स की बात हो रही थी लॉजिकल थ्रेड्स जैसे मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है उसको डैमेज डाटा को डैमेज और हो सकता है कि फिजिकल डैमेज कोई ना कॉज कर रहा हो लेकिन ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये सारी जो नॉलेज आपने स्टोर की हुई है या ये जो सिलसिले बनाए हैं प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस के उनको खराब कर सकता है लेकिन कई दफा ये भी होता है कि इस किस्म का वायरस जो है वो जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव्स हैं हार्ड डिस्क हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या उनमें बैड सेक्टर्स क्रिएट कर देता है जिसका मतलब यह हो जाता है कि वो हार्ड ड्राइव जो है वो फिर अपनी फंक्शनिंग जो उसको करनी होती है वो नहीं कर पाती रिजल्टेंटली आपको या तो नई हा, हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करनी पड़ती है या उस हार्ड ड्राइव को दोबारा से रीफॉर्मेट फॉर्मेट करना पड़ता है और इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने जो कुछ उस हार्ड ड्राइव में स्टोर किया हुआ था उसका बैकअप अगर नहीं किया हुआ आपके पास वो सेव्ड नहीं है तो वो सारे का सारा डाटा जो है वो आपने गवा दिया लूज कर दिया तो ये भी सूरत हो सकती है पेरोल की इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट बजट्स हैं मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल रिजल्ट हैं ये तमाम चीजें जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी सेंसिटिव होती हैं और इनके हवाले से आप एक्सेस जो है उसको लिमिट करने की को, कोशिश करते हैं और अगर इन तक कोई अनऑथराइज्डली पहुंच जाता जाने की कोशिश कर रहे या पहुंच जाता है तो जाहिर है कि एक लॉजिकल थ्रेट है इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उनमें जहां पे पर्टिकुलरली डाटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन ब्रांचेस टवीन ब्रांच एंड बी हेड ऑफिस अगर उन कम्युनिकेशन लाइन्स में कोई बंदा इंक्लूड कर देता है तो फिर वो जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है उस डाटा को अनऑथराइजली अपने पास ले जा सकता है उसकी मिस यूज हो सकती है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं सो so, यह तो लॉजिकल और फिजिकल थ्रेट्स के हवाले से गुफ्तु अब लॉजिकल थ्रेट्स वेरियस फॉर्म्स में होती है जिसमें वायरसेस वर्म्स और लॉजिकल इंट्रूजन है सबसे पहले तो वायरस के हवाले से गुफ्तु कर लेते हैं वायरस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में किसी तरीके से इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर वो कंप्यूटर की फंक्शनिंग और कंप्यूटर में जितनी प्रोसेसिंग हो रही है जो डाटा स्टोर हो रहा है उसको जो है वो थ्रेटन करते हैं उसको खराब करते हैं उसको उसकी फंक्शनिंग सही जो है उसमें रुकावट डालते हैं वायरस का कोड जो है जैसे आप वो, वो वायरस किसी को इंपोर्ट करते हैं तो वो अपने आप को जो भी कोई प्रोग्राम्स जिन प्रोग्राम्स तक जिस प्रोग्राम से वो रिलेटेड रिलेट कर रहे हैं या जिसके लिए जिसको खराब करने के लिए वो बनाया गया है उसमें जाकर के इंस्टॉल हो जाते हैं और उसमें जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर आपको बाहिर तो कुछ मालूम नहीं होता कि जी क्या हो रहा है सडनली आप एक दिन नोटिस करते हैं कि भाई जो हम काम करते हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उसमें कुछ खराबी आ रही है। वो खराबी जो है वो आपकी वजह से पैदा नहीं हो रही वो अब खराबी जो है वो उस वायरस की वजह से पैदा हो रही है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उसमें इंस्टॉल हो चुकी है उसमें एम्बेड हो चुकी है और वो अपना रंग अब दिखा रही जब वायरस कोड जो है वो किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होता है वो प्रोग्राम जिस वक्त चलता है उससे वो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और वो उसकी कॉपीज जो है फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स जो हैं या ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर जो है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है या प्रोग्राम्स जो हैं है, उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है और ये मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहता है उस वक्त तक कि मशीन कम्स टू अ अटैंड अब जैसे मैंने कहा कि जी ये इनका इफेक्ट जो है वो ये हो सकता है कि जी ऑपरेशंस गलत हो जाए प्रोसेसिंग गलत हो जाए या जो कंप्यूटर में मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर है पास्ट हिस्टोरिक डाटा स्टोर है और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको अफेक्ट कर दे, उसको खराब कर दे। बेसिकली टर्म वायरस जो है ये एक जेनरिक टर्म है और इट इज अप्लाइड टू अ वेराइटी ऑफ मलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स

ये आगे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाता है जैसे मैं बता भी चुका हूं आमतौर पर ये वायरसेस जो हैं जो प्रोग्राम फाइल्स हैं एक्सीक्यूटिबल प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको अटैक करता है फाइल डायरेक्टरी सिस्टम जो के ट्रैक करती है तमाम कंप्यूटर फाइल्स की जहां पे वो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हैं, उसको अफेक्ट करता है बूट यानी कंप्यूटर को ऑन एंड सिस्टम करने का तरीके और सिस्टम एरियाज़, जो कि जरूरत है जिसके बगैर जो है आपका कंप्यूटर जिसका शुरू होता है उसको अफेक्ट करती है डाटा फाइल्स को अफेक्ट करती है यानी प्रोग्राम मशीन का चलना डायरेक्टरी सिस्टम ट्रैकिंग का जो सिस्टम है और डाटा फाइल्स तमाम चीजों को ये वायरसेस जो हैं ये अफेक्ट कर सकते हैं ये तो वायरसेस की मुख्तसर कहानी अब वायरसेस के अलावा भी हम एक टर्म सुनते हैं और वो टर्म है वर्म की वर्म जो है इट इज अ प्रोग्राम व्हिच स्प्रेड्स ओवर नेटवर्क कनेक्शंस इसका और वायरस में थोड़ा सा फर्क है वर्म जो है वो फिजिकली अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करता वर्म टिपिकली एक्सप्लॉयड सिक्योरिटी वीकनेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंफिगरेशन टू तो प्रोपोगेट इट सेल्फ टू तो द होस्ट सिस्टम्स। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में घुसने की कोशिश करता है और वहां से फिर आगे ये अपनी उसको जो है जब इफेक्ट करता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं और वो प्रॉब्लम्स जो है वो फिर आपको प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर तो वर्म कीड़े की तरह इधर उधर घुसता वायरस मल्टीप्लायर इफेक्ट है एक इन्फेक्शन होती, होती है उससे दूसरे प्रोग्रामों को इन्फेक्शन होती है और वर्म जो है वो कीड़े की तरह खाता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी कंफिगरेशन और उससे फिर मल्ट आगे सिलसिला चलता वहां से फिर वो निकलता मुख्तलिफ फिर एक चीज आई ये तो वर्म हो गया वायरस हो गया अब एक और चीज है वो है बग अब ये बग क्या चीज है बग जो है वह इंटरनल मैल है सॉफ्टवेयर का अब बहुत दफा हमने सुना हमसे कहा गया कि जी वो जी हमारे कंप्यूटर में बग आ गया है जब आप जाके उसको चेकआउट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेकआउट करते हैं तो वो बग जिसको कहा जा रहा है वो एक्चुअली बग नहीं होता वो किसी की कोशिश ऐसी होती है कि जी जो प्रोसीजर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया उन प्रोसीजर्स पे अमल नहीं किया गया और उनको बाईपास करके हमने कोशिश की कि हम कोई डाटा में चेंज ले आए डाटा में कोई नया डाटा क्रिएट कर दें और जब वो नहीं हो रहा तो हमने कहा कि जी बग जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम में आ गया है यह प्रोग्राम का कसूर प्रोग्राम का भी कसूर हो सकता है के इम्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक है यानी आपने जिस तरीके से प्रोग्राम की लॉजिक लिखी है जिस तरीके से वो कोडिंग लिखी है उसके अंदर कोई मैल फंक्शनिंग है या वो पूरे तरीके से सही तरीके से उसमें कहीं मसला रह गया कोई फॉर्मूला है कोई कोई और चीजें वो सही तरीके से डिफाइन नहीं की गई बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, वो मुफ्त आपको इंटरनेट पे जो है वो अवेलेबल हैं। ट्रायल वर्जन होते हैं अब वो ट्रायल वर्जन जो हैं, वो इसीलिए ट्रायल कहलाए जा रहे हैं कि जनाब अभी वो फाइनलाइज नहीं हुए हो सकता है कि उनके अंदर अभी बहुत सारी खामियां हों लिहाजा दे आर नॉट गोइंग टू फंक्शन एज द फाइनल रिलीज विल फिर ट्रायल वर्जन के अलावा बीटा वर्जन होते हैं बीटा वर्जन्स भी अभी टेस्टिंग के मराहल से गुजर रहे हैं उनकी यूजेज अभी नहीं शुरू हुई सिर्फ टेस्टिंग हो रही है और बीटा स्टेज पे है उनकी टेस्टिंग कि अभी वो एक स्टेज पे है जहां पे उसको चेकआउट किया जा रहा है अगर हम उस किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेंगे तो जाहिर है कि उसमें अगर बग्स हैं जो भी प्रॉब्लम है तो वो उस वजह से वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और फिर ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने फॉर्मूला गलत कर दिया या उस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन होनी थी और उस कैलकुलेशन से जो आगे ट्रांजेक्शन होनी थी वो लिंकेज में कोई गड़बड़ कर दी किसी ने वो लॉजिक जो डिफाइन करनी थी उस सारी चीज के हवाले से वो नहीं कर सके आप सही तरीके से तो इसकी वजह से भी प्रोग्राम program में प्रोग्रामिंग बग जो है वो सामने आ सकता है जितना कॉम्प्लेक्स होगा एक अरेंजमेंट उसमें बग्स रह जाने का अंदेशा ज्यादा है लेकिन उस अंदेशे को दूर करने के लिए आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है कि जब आप डिवेलप करते हैं या कोई भी लॉजिक प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखते हैं या प्रोसीजर लिखते हैं तो आप उस चीज को हर अंदाज से चेक करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं उसकी कि जी इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई कि जिसकी वजह से ये मैल फंक्शनिंग शुरू है। लेकिन बावजूद इसके कभी ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई बग जो है वो फिर भी एस्केप कर जाए आपकी तवज्जो से तो फिर वो जिस वक्त प्रोग्राम चलेगा उस वक्त किसी स्टेज पे जरूरी नहीं कि फॉरन सामने आ जाए हो सकता है छह महीने के बाद आए आठ महीने के बाद आए दस महीने के बाद आए कभी भी आ सकता है वो सामने आ जाए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बग्स फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इज डीबगिंग। और जब आपने कंप्लीट कर ली अपनी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिख लिया एंड बिफोर यू इंस्टॉल जैसे मैंने कहा क्वालिटी कंट्रोल के, के मराहल से उसको गुजारना नहायत जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल इन टर्म्स ऑफी इसमें कोई लॉजिकल फॉल्ट तो नहीं रह गए प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी फंक्शनिंग के हवाले से आप उसको चेक कीजिए और फिर आप उसको इंस्टॉलेशन के लिए पेश करते हैं। या उसकी इंस्टॉलेशन और इंप्लीमेंटेशन करते एक चीज की वजाहत यहां पर जरूरी है वह यह है कि इनकरेक्ट या अनवैलिडेटेड या अनएडिटेड डाटा जो एंट्री जो है उसकी वजह से अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही और उस एंट्री के अंदर गलतियां हैं तो वह प्रोग्रामिंग का फॉल्ट नहीं है वह प्रोग्राम बग नहीं है वह प्रोग्राम की गलती नहीं है वायरस जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट है बग जो है वो इंटरनल मैल फंक्शन है ऑफ द सॉफ्टवेयर तो दोनों में फर्क जो है वो जाहिर है यानी वायरस एक्सटर्नली आपके सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है जबकि बग जो है वो विद इन द सॉफ्टवेयर जो आपने लिखा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई खराबी की वजह से मैल फंक्शनिंग जो है वो हो सकता लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग है तो वो सिस्टम को वलनरेबल कर देता है वो सिस्टम को में ये कमजोरी पैदा कर देता है कि वायरस जो है एक्सटर्नली एक्सटर्नल वायरस जो है वो उस सिस्टम को अटैक करता है लिहाजा बग का किसी सिस्टम में होना utna Utanahi dangerous hai ki possibility of a virus attack on that system. Therefore, we have to secure our systems in such fashion that the possibilities are reduced. The developer has to ensure. द बग्स एन द फाइनल प्रोडक्ट आर नॉट एग्जिस्टिट एंड देव बीन रिमूव्ड क्लींड एंड सैनिटाइज बिफोर यूज वायरस या वर्म्स जो हैं वो इंटरनेट के जरिए जो मुख्तलिफ फाइलें हम इंटरनेट पर व्यू करते रहते हैं अब हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हालात हैं उस फाइल के हम तो सिर्फ उस चीज को देख रहे हैं और वो जब हम देख रहे हैं तो उसके जरिए से वो डाउनलोड हमारे सिस्टम में हो जाती है इसके अलावा फाइल्स जो हम ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आपको कोई ईमेल भेजता है कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड्स हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं इनमें भी वायरसेस आते हैं और इन्फेक्शन उनके थ्रू भी आ जाती है फिर हमने फ्री सॉफ्टवेयर की बात की हमने पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात की पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जी बाजार में बड़ी सस्ती कॉपी नहीं है ये जी बड़ी सस्ती है ये हमने बना ली है आप लें, अब वो ले पता नहीं कहाँ पे बनाई गई थी किस सिस्टम पे उसको कॉपी किया गया था कैसे किया गया था उसमें कितने सारे वायरेसेज ऑलरेडी मौजूद है एम्बेडेड है उसके अंदर जो नजर नहीं आ रहा है जो, तो वो जो है आपके सिस्टम को अफेक्ट करेंगे उसमें रुकावटें डालेंगे उसको तबाह कर सकते हैं इसीलिए यह कहा जाता है कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए गेम्स सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं बहुत सारे लोग गेम सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करते हैं उनमें भी वायरसेस इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मौजूद होते हैं और ई की बात तो हम कर ही चुके फिर आपकी जो एक्सटर्नल किसी किस्म की भी ड्राइव्स जो हैं पोर्टेबल ड्राइव्स हार्ड ड्राइव्स हैं या फ्लैश ड्राइव्स हैं डिस्किट फ्लॉपी डिस्कट्स होते थे एक अब तो इस्तेमाल कम हो गया है उनका लेकिन इन तमाम चीजों के जो हम घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई किसी ने हमें दे दिया भाई ये देख लेना इस पर फुला मैंने डाली है और वो इंफेक्टेड है जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस अगर कंप्यूटर में कंप्य उस सिस्टम के अंदर अटैच करना चाह रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं या उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि इट हैज बीन क्लींड और उन डिवाइसेस के ऊपर भी सुटेबल एंटी जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए क्यों कि अगर वो आप नहीं करेंगे और ऐसे ही उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप अपने जो सिस्टम है उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं वायरसेस बहुत मुख्तलिफ किस्म की हैं लेकिन जो मेजर कैटेगरीज डिफाइन की जाती हैं उनमें बूट सेक्टर के वायरसेस हैं ओवर राइटिंग वायरसेस है फिर एक चीज है ड्रॉपर और एक और चीज है ट्रोजेंस ये मुख्तलिफ किस्म की मेजर कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज को हम वन बाय वन देखते हैं बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जहां से कंप्यूटर शुरू होता है आप बटन दबाते हैं तो एक एक्टिविटी शुरू होती है वो जो एक्टिविटी शुरू हो रही है वो बूट सेक्टर से शुरू हो रही है अगर वह बूट सेक्टर इन्फेक्ट होगा तो वह वायरस जो है उस बूट सेक्टर का जो सही ऑपरेशन है उसको भी रोक सकता है और उस बूट सेक्टर से जो वायरस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ट्रांसफर हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ट्रांसफर हो सकता है लिहाजा बूट करने से पहले अगर एंटीवायरस वाला कोई सिलसिला जो है वो पहले चलता है कि उसको साफ कर दे कि जी इसपे कोई मसला नहीं है तो हो सकता है कि जी ये प्रॉब्लम ना आए बूट सेक्टर से बूट करने के बाद भी वायरस चले स्कैनिंग हो कि जी सिस्टम क्लीन है तो ये चीजें जो है ये जो एंटी वायरसेस है ये अवेलेबल है इनको मशीनों पे इंस्टॉल होना चाहिए फिर बात आती है ओवर राइटिंग वायरसेस की ओवर राइटिंग वायरसेस जो, जो हैं उनका क्या काम है उनका यह काम है कि जो लॉजिक जो प्रोग्रामिंग कोड या फाइल के अंदर जो कुछ तहरीर किया गया हुआ है उस तमाम को जो लिखा हुआ है उसको गलत चीजों से बेमानी चीजों से ओवरराइट कर दे क्योंकि पर्पज ये है कि जी वो मैल फंक्शन करे या वो सही रिजल्ट ना दे या उस फाइल तक एक्सेस ना हो सके तो ये भी एक वायरस की किस्म है कि वो और कुछ नहीं करता मशीन चल रही है। लेकिन एवरी टाइम इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट फैशन जो प्रोग्राम या जो फाइल से डाटा रिट्रीव करना है वो हर दफा कुछ और बता देता आपको तो ये भी वायरस की एक किस्म फिर ड्रॉपर ड्रॉपर जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि वायरस इंस्टॉल करता है आपकी मशीन के ऊपर जब आप कोई काम और कर रहे हो उस मशीन के ऊपर तो ये भी एक्सटर्नली इंपोर्ट होता है तरीकेकार इंपोर्ट का वही है जो हम पहले आपसे जिक्र कर चुके फिर ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन की बात यह भी एक डेंजरस मलिशियस प्रोग्राम है जो कि एक मार्केटेड सॉफ्टवेयर के अंदर लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर किसी तरीके से बैठ गया है और वो अपने आप को जाहिर इस तरीके से करता है कि जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है मिसाल के तौर पे कई दफा होता है कि जी आ ये आप कोई एक फाइल देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर और सडनली एक उसमें चीज आ जाती है कि जी अगर आप फलानी किस्म की चेहरे चाहते हैं आप अपनी मशीन को ऐसा करना तेजी इसमें लाना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं बहुत सारी चीजें होती है वो आपके सामने ड्रॉप डाउन होता है आप समझते हैं कि भाई ये तो कोई बड़ी अच्छी चीज आ गई है एंड आई गॉटन ऑन टू समथिंग वेरी गुड चलिए साहब उसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं नाउ दैट मे वेल बी वट वी आर टॉकिंग अबाउट And that is a Trojan horse. It looks very useful, interesting, least harmless or harmful. But when you install it or when you use it, it starts infecting the entire system and software. किस्म के ट्रोजन हॉस जो होते हैं ये लॉजिक बॉम्ब भी होते हैं और टाइम बॉम्ब भी होते हैं की सूरत में होते हैं या हो सकते लॉजिक बॉम्ब जो है वो ये कि जी आप अपनी मशीन पे अगर डिस्क को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं या डिस्क क्लीन अप आपने कुछ अरसे से नहीं की तो वो एक लेवल पे जिस वक्त पहुंचेगी कि जी उसमें इतनी डाटा जो है वो मौजूद हो गया है जो कि क्लीन क्लियर किया जा सकता है साफ किया जा सकता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है और वो आपने नहीं अपना हाउस वर्क नहीं किया हाउस क्लीनिंग नहीं की वो एक खास परसेंटेज या एक लेवल पे पहुंच जाएगा तो ये ट्रोजन ऑर्स जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता तो ये लॉजिक बॉम्ब है के जी अगर वो तमाम डेटा या इंफॉर्मेशन या फाइल्स जो कि आपके सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है उनको अगर अगर आप हाउस क्लीनिंग के जरिए रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग नहीं करते उसकी वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उस लेवल से ट्रिगर ऑफ हो सकता है ये वायरस टाइम बॉम्ब एक खास वक्त पे खास डेट पर ये जो है वायरस जो है ये अपना रंग दिखाना शुरू कर करता तो ये मुख्तल वायरसेस वगैरह वर्म्स के हवाले हाँ से हमने आपसे बात की अब प्रिवेंशन की तरफ और डिटेक्शन की तरफ आए तो जिस वक्त हम प्रिवेंशन और डिटेक्शन की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमने कहा जी एंटी वायरसेस इंस्टॉल कर लें आप ठीक है साहब दैट इज वन ऑफ द मेजर्स लेकिन ये जहन में रहे कि बात अब फिजिकल एक्सेस की भी है और लॉजिकल एक्सेस की है जी फिजिकल एक्सेस क्या है जी आप ताला लगा दें ठीक है जी कमरे को तो ताला लगा दें मशीन को भी ताला लगा दें आपने जी फिजिकल एक्सेस तो आपने कर लिया लेकिन कंट्रोल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी आते हैं और टेक्निकल कंट्रोल्स भी आते हैं और ये दोनों किस्म के कंट्रोल्स जो हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरे सिस्टम को जो है वो सिक्योर करते हैं अगेंस्ट इंफेक्शन फ्रॉम वायरसेस वर्म्स एंड द लाइक मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो है बाय नेम ये इंप्लाय करता है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स उनको आपने इंप्लीमेंट सही तरीके से किया आपने सही पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं इंप्लेस किए हैं और आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो प्रोसीजर है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा टेक्निकल कंट्रोल जो है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी शामिल है लेकिन पहले हम बात करें मैनेजमेंट प्रोसीजरल कंट्रोल्स की इसमें क्या कह सकते हैं कि जी ठीक है आपने कहा कि जनाब आप किसी को इजाजत नहीं देंगे अपनी मशीन पर बैठने की और काम करने की ओनली यू आर ऑथराइज टू तो वर्क ऑन दिस मशीन फाइव आपने हुक्म जारी कर दिया कि जनाब कोई अपने घर से किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो ला करके इस कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करेगा ठीक है सर हुक्म तो जारी हो गया लेकिन क्या कोई उसको मॉनिटर कर रहा है कि वाकई एक चीज जो है ये इस तरीके से हो रही है या नहीं हो रही ये भी बहुत जरूरी है या हम कहते हैं कि हम हर अपने एम्प्लॉय को ट्रस्ट करते हैं कि वह ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको यह हुक्म सादर फरमा दिया है या जारी कर दिया वेल यू टेक अ चांस टेक इट बट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इज एसेंशियल नंबर दो कोई भी सिस्टम जो है जब आप बिल्ड कर रहे हो उसको या इंस्टॉल कर रहे हो उसको तो उसको ओरिजिनल क्लीन मास्टर कॉपी से इंस्टॉल कीजिए मेकिंग शोर दैट द प्रोटेक्शन इज इन प्लेस फ्रॉम वेयर एवर यू आर कॉपिंग दोस्टम्स जो यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल है फ्लैश ड्राइव वगैरह जो है उनका इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उनको किसी एक स्टैंड लोन मशीन पे किसी दूसरी मशीन पे अलहेदा से जो कि पार्ट ऑफ द नेटवर्क ना हो उसपे उसको क्लीन करके उसको देख के कि जिस पे कोई वायरस तो नहीं है उसको जो है वो आप चेक करें और तीसरा ये कि हर मशीन के ऊपर नेटवर्क सिस्टम के अंदर नेटवर्क सिस्टम ना हो उसमें भी एंटी वायरस जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए और उस एंटीवायरस को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट किया जाना भी निहायत जरूरी है बिकॉज ये वायरसेस वगैरह जो है ये रोज के रोज नए से नए आते जाते हैं और उसका एंटीडोट जो है वो भी उसी रफ्तार से क्रिएट किया जाता है लिहाजा वो एंटीडोट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए फिर जिस वक्त वेंडर्स जो हैं जो अपनी पर्सनल मशीन्स के ऊपर आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज की दे रहे हैं तो उनसे यह कहना जरूरी है कि जी ये पर्सनल मशीन्स जो है यह सिस्टम के साथ अटैच नहीं होंगी ये आप ही के जो मशीनें हैं उसी पर ही चलेंगी क्योंकि हमें हम नहीं मालूम कि वो जो वेंडर की मशीन है वो मशीन क्लीन की गई है उसपे वायरसिस तो नहीं मौजूद स्कैन द कंप्यूटर बिफोर एनी न्यू सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड वाई बिकॉज कमर्शियल सॉफ्टवेयर ऑल ओकेजेंस कम्स विद एम्बेडेड ट्रोजेंस ट्रोजेंस की हम तफसी जो है वो पहले बयान कर चुके फील्ड टेक्नीशियंस मस्ट स्कैन देअ डिस्क ऑन टेस्ट मशीन बिफोर दे यूज एनी ऑफ ऑन द सिस्टम डाटा जो फील्ड टेक्नीशियंस के पास है उसमें जो डाटा स्टोरेज हो रही है वो डाटा ला करके जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या वो मशीन जो है वो अटैच की जा रही है मेन सिस्टम के साथ और उससे डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है

लेटेस्ट वायरस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सर्विस के ऊपर मौजूद होना चाहिए उसकी रेगुलर अपडेट होनी चाहिए और फिर इफेक्टिव बैकअप प्लान होना चाहिए बैकअप प्लान क्या होता है ये हम जब डिजास्टर रिकवरी पे गुफ्तू करेंगे उस वक्त हम इसके बारे में आपसे मजीद आपको मजीद बताएंगे कि बैकअप प्लान क्या होता है बेसिकली कहने का मकसद यह है कि जी आपका डाटा एक जगह पे स्टोर सिर्फ ना नहीं होना चाहिए बल्कि उसका जो बैकअप है वो किसी दूसरी इंस्टॉलेशन के ऊपर किसी दूसरी मशीन पे साइमल्टेनियसली मौजूद होना चाहिए कि अगर आपका मेन जो ऑपरेशनल सिस्टम है या मेन सिस्टम जो है उसको इन्फेक्ट हो गया वो इन्फेक्ट हो गया है तो दूसरी जगह पे वो इन्फेक्शन जो है वो ना पहुंच सके और डेटा आपका सही दूसरी मशीन पे, दूसरी लोकेशन पे मौजूद जाहिर है कि मैनेजमेंट मस्ट एजुकेट द यूजर्स कि ये तमाम पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो हैं, इनको ये क्या हैं, इनका इनपे अमल करना क्यों जरूरी है और फिर जैसे कि मैं कई दफा कह चुका हूं कि जी रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग टू इंश्योर दैट दीज प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज बिंग इंप्लीमेंटेड इज एन एब्सुलट मस्ट तो यह तमाम गुफ्तगु जो हमने अब की ये मैनेजमेंट प्रोसीजरल कंट्रोल के हवाले से की हमारी जो पॉलिसीज हैं एंटी वायरस के हवाले से उनको भी वक्ता फवक्ता जो है रिव्यू करने की जरूरत होती है वायरस इरेडिकेशन वायरस को खत्म करने का प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए तहरीर होना चाहिए कुछ वायरसेस एंटी वायरस खत्म कर देता है कुछ वायरसेस हो सकता है अगर नोटिस में किसी के कोई आते हैं तो वो वायरस खत्म करने के लिए आपको आप नहीं खत्म कर सकते शायद उसके लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास या किसी टेक्निकल पर्सन के पास आपको जाना पड़े कि जरा ये प्रॉब्लम आ रही है या आइडेंटिफाई की गई है तो इसको ये मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि इंस्टॉल कहने को तो जी हां ठीक है ये तो हम सबको पता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक्चुअली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो नजर ये आता है कि वो बहुत सारी बातें जो हम सबको पता है उन पे अमल नहीं हो रहा शायद वो बातें लिख के भी हर एक को दी गई है लेकिन अमल फिर भी नहीं हो रहा यह चीज अपने एम्प्लॉज को बताना और समझाना कि डैमेज कॉस्ड टू द डाटा स्टोर्ड मे बी एज क्रिटिकल एज नॉट प्रोड्यूसिंग वॉट गुड्स वन इज मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे बिकॉज Of poor planning, lack of planning, machinery breakdown, or whatever. It can be as critical because your management decisions tamam are based on the data stored in your information system and processed through your information system. And if you are not able to get that data, get that analysis, ऑबियसली यू वुड नॉट बी एबल टू मेक द डिसीशन इन अ टाइमली फैशन तो क्रिटिकैलिटी जो है उस तमाम चीज की वो उतनी ही है अगर मशीन के ऑपरेटर को जो फैक्ट्री के फ्लोर पर काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कि भाई होशियारी से मशीन में कोई रुकावट ना आए उसकी सफाई से ही होनी चाहिए उसको सही तरीके से काम करना ये पार्ट ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटी है तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और कंप्यूटर में जो डाटा एंटर कर रहा है स्टोर कर रहा है रिट्रीव कर रहा है इस्तेमाल उसका किसी भी तरीके किसी भी चीज के लिए कर रहा है उसके लिए भी वो मशीन जो है वो उतनी ही क्रिटिकल है जितनी उस ऑपरेटर के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है तो मैनेजमेंट कंट्रोल्स के हवाले से आज हम यहां तक गुफ्तु इस लेक्चर में कर रहे हैं अगले लेक्चर के अंदर इनशाला टेक्निकल कंट्रोल्स से गुफ्तु का आगाज करेंगे आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं शुक्रिया और खुदा